हमारे नंदनवन खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं अणुव्रत समिति मुंबई की गतिविधियों पर। आचार्य श्री तुलसी की यह परिकल्पना सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए क्रांतिकारी परिकल्पना है। मुंबई में तेरापंथ धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास गतिमान है और तेरापंथ समाज की तमाम संघीय संस्थाएँ विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हमने तमाम संघीय संस्थाओं के बाद अणुव्रत समिति मुंबई के तमाम पदाधिकारियों से नंदनवन में बातचीत करते हुए अणुव्रत समिति की गतिविधियों पर चर्चा की। देखिए सुरभि सलोनी की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। इस समय मैं नंदनवन के किड्स जोन में हूँ, जहाँ अणुव्रत समिति मुंबई की पूरी टीम है रोशनलाल जी मेहता के नेतृत्व में। अणुव्रत समिति द्वारा तमाम उपक्रम चलाए जा रहे हैं जिसका लाभ मुंबई वासियों को मिल रहा है। यहाँ गुरुदेव का चातुर्मास है और गुरुदेव के चातुर्मास की वजह से लोगों में और भी अधिक जोश है। बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे रोशनलाल जी मेहता, जो कि अणुव्रत समिति मुंबई के अध्यक्ष हैं। उनसे जानते हैं कैसी चल रही है यहाँ की गतिविधियाँ। सर, नंदनवन की गतिविधियाँ कैसी चल रही हैं, अणुव्रत समिति के क्या क्या आयाम संपादित हो रहे हैं यहाँ? नंदनवन में हमारे भगवान पूज्य गुरुदेव युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी चातुर्मास करवा रहे हैं और उनके साथ पूरी धवल सेना यहाँ पर चातुर्मास रत है और चातुर्मास व्यवस्था समिति की ओर से सुंदर व्यवस्था इसमें की गई है और अणुव्रत समिति मुंबई की ओर से अणुव्रत विश्व भारती के तत्वाधान में विभिन्न आयोजन इस प्रांगण में आयोजित हो रहे हैं और अणुव्रत समिति मुंबई नंदनवन में ही नहीं अपितु पूरे मुंबई महानगर में अपनी गतिविधियों को संचालित कर रही है, जिसमें हमारे आध्यात्मिक मुनिश्री, आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनिश्री मनन कुमार जी एवं मुनिश्री अभिजीत कुमार जी का भरपूर सहयोग मिल रहा है, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, जिसमें हम पूरे मुंबई क्षेत्र में अणुव्रत संकल्प यात्रा के कोई लो लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव के आयाम हैं नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति। इन तीन त्रिदिवसीय इन तीन आयामों पर अणुव्रत समिति मुंबई कार्य कर रही है और जगह जगह जाकर अणुव्रत का प्रचार प्रसार कर रही है। अणुव्रत विश्व भारती द्वारा जो भी हमें निर्देश मिल रहा है उसे हम पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ACC का प्रोजेक्ट रहा या किड्स जोन संचालन जो नंदनवन में ही स्थित है उसका भी संचालन अणुव्रत समिति मुंबई के माध्यम से हो रहा है और भी अनेक प्रकल्प हैं जो हमारे मंत्री महोदय आपको बताएंगे। तो अणुव्रत समिति मुंबई जो भी प्रकल्प हमको दिए जा रहे हैं उसे पूर्ण रूप से जागरूकता से पूर्ण करने का प्रयास कर रही है। सर राजेश जी, किस तरह से तमाम आयामों को संचालित किया जा रहा है और महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं अणुव्रत समिति मुंबई द्वारा? जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वर्ष अणुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष है, मतलब 75 वर्ष हो चुके हैं अणुव्रत आंदोलन को और गुरुदेव ने इस वर्ष को और इस यात्रा को अणुव्रत यात्रा का नाम भी दिया है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो इसके तहत अणुव्रत वाहिनी एक वैन है जिसमें हम अलग अलग क्षेत्र में वो वैन जाती है और नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति के बारे में प्रचार प्रसार करती है, अणुव्रतों के बारे में प्रचार प्रसार करती है। तो हमने अणुव्रत समिति मुंबई के तहत पूरे मुंबई को 5 जोन में डिवाइड किए हैं और ये 5ों जोन में ये वैन 10-10 दिन या 12 दिन जैसे भी उस क्षेत्र का मतलब प्रोपोर्शन रहेगा। तो सबसे पहले हमने बदलापुर से थाना अभी एक प्रोजेक्ट मतलब कर दिया 10 दिन के लिए, उसमें करीब करीब 750 लोगों ने नशा मुक्त रहने के संकल्प पत्र भरे हैं, जिसमें लेबर्स भी हैं, काफ़ी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं। हम उनके बीच में जाते हैं, उन्हें नशा मुक्त रहने के लिए उन्हें प्रेरणा देते हैं। तो इस तरह अणुव्रत वाहिनी का हर क्षेत्र में अच्छा कार्य चल रहा है। गुरुदेव की कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने एलिवेट एक गुरुदेव के सानिध्य में मुंबई में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, एलिवेट ड्रग फ्री मुंबई।
तो उसमें भी काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। गोरेगांव, चेंबूर और मीरा भाईंदर की काफ़ी स्कूलों में, ऑलमोस्ट 30 स्कूलों में हमने एलिवेट का प्रोग्राम किया है और वहाँ पे 5500 से भी अधिक बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने नशा मुक्त और ड्रग मुक्त रहने का संकल्प स्वीकार किया है। इसी तरह अनुविभाग के कई आयाम है, उसमें एक है ACC जो स्कूल में कंपटीशन रहता है, अनुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट, तो उसमें भी 40 स्कूलों ने अनुव्रत इस कॉन्टेस्ट में भाग लिया है, जिसमें 1200 से अधिक बच्चों ने भाग लिया है हर एक अलग अलग प्रतियोगिता में, और 600 बच्चे अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएंगे, उसके बाद में वहाँ से स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की यह कंपटीशन रहेगी। तो इस प्रकार हम अनुव्रत का जितना हो सकता है गुरुदेव के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, हम हमारी पूरी अनुव्रत समिति की पूरी टीम, बॉम्बे के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो दिलों जान से इसके पीछे लगे हैं कि हमें अनुव्रत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करना है और गुरुदेव श्री तुलसी के इस आयाम को हमें जन जन तक पहुँचाना है। सर, गुरुदेव का चातुर्मास भी है और यहाँ अनुव्रत की टीम को ऐसे टाइम पे काम करने को मौका मिला है जब जोश भी बढ़ रहा है लोगों का, कैसे देखते हैं पूरे चातुर्मास को, गुरुदेव के प्रवास को और अनुव्रत समिति के कार्यों को? अनुव्रत एक आचार्य तुलसी की देन, सब जो सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब आचार्य तुलसी ने सोचा था कि ये अनुव्रत एक छोटे छोटे नियम और व्रत नियम, ऐसे आचार्य तुलसी की उस टाइम की एक जो पर उन्होंने संकल्प किया और चालू किया, और उन्होंने इस अनुव्रत को, आचार्य तुलसी ने लाखों किलोमीटर पैदल चलकर इसको जो एक जो गरीब की झोपड़ी से लगाकर राष्ट्रपति भवन तक इसको उन्होंने पहुंचाया। उनके आयाम को और आगे, अभी आचार्य श्री महाश्रमण जी जो बम्बई में पधारे हैं और हमारे अनुव्रत समिति के अध्यक्ष रोशन जी उसी टाइम अध्यक्ष बने हैं, तो आचार्य तुलसी, ये आचार्य महाश्रमण जी का भी सानिध्य मिला और उनके मंगल पाठ से उनको अच्छा कार्य करने को मिल रहा है और बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं और अनुव्रत का प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छा हो रहा है और छोटे छोटे स्कूलों में भी जाते हैं, वहाँ के प्रधानाध्यापक टीचर्स बहुत ही खुश होते हैं, छोटे नियम, विद्यार्थी नियम, शिक्षक नियम, व्यापारी नियम, ऐसे छोटे छोटे नियम को अनुव्रत का वो बहुत ही सहयोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा चल रहा है और इनकी टीम के साथ में मैं जुड़ा हूँ और मुझे इन्होंने जोड़ा और मुझे सदस्य अभियान के लिए मुझे जोड़ा। तो अनुव्रत के सदस्यों को भी ये आह्वान है कि जितने ज़्यादा सदस्य बने उतना बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा प्रकलन है अनुव्रत का और उसे गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी का आशीर्वाद है और यहाँ पर इनका चातुर्मास है और करीब इनका 9 महीने का प्रवास बम्बई में रहेगा तो इन और भी अच्छे कार्य करने का अवसर मिलेगा। सर, पर्यूषण का समय चल रहा है, क्या कहेंगे मुंबई के लोगों से और यहाँ के श्रावक समाज को आप? पर्यूषण महापर्व हम जैनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और इस पर्व में धर्म आराधना करने हेतु हम एक जगह एकत्रित होते हैं और इस वर्ष हमारा सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव यहाँ पर विराज रहे हैं और हमारा लक्ष्य एक ही है कि गुरुदेव की सन्निधि में पर्यूषण महापर्व की हम आराधना करें और बहुत बड़ी संख्या में मैंने देखा है मुंबई महानगर के वासी इस नंदनवन में पधार कर गुरुदेव के सान्निध्य में पर्यूषण पर्व की आराधना कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम जो अनुव्रत समिति मुंबई के सदस्य हैं वो भी हम इसी धर्म आराधना में लगे हुए हैं और मैं आह्वान करता हूँ कि 2 दिन पश्चात जो हमारा पर्यूषण पर्व का सरताज है, समश्री महापर्व आएगा और इस दिन मैं आप सबसे यही विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप सभी इस नंदनवन में पधार कर सुंदर व्यवस्था के साथ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में समश्री महापर्व की आराधना करें और इसके साथ ही अनुव्रत समिति मुंबई जो प्रकल्प अभी तक हमने बताए हैं उसके अलावा संयम दिवस जो उसका भी संचालन अनुव्रत समिति मुंबई के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एक दिन के लिए मंगलवार के दिन 1 घंटा मौन
नशा से मुक्त रहना और मांसाहार नहीं करना, इन तीन संकल्पों को स्वीकार कर संयम दिवस का हम संयम दिवस मनाते हैं। अणुवत उद्बोधन सप्ताह जो 1 से 7 अक्टूबर तक पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मनाया जाएगा, तो उसमें भी आज हमारी मीटिंग हुई, उसमें भी क्षेत्रीय संयोजकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अधिक से अधिक कार्य करने के लिए संकल्पित हुए। उसके साथ ही अनुरोध पत्रिका और बच्चों के देश के सदस्य भी बनने के लिए हमने आह्वान किया है और हमें अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। विद्यार्थी अनुरोध, शिक्षक अनुरोध, इन सब पर हम जोर देकर जगह जाकर अनुरोध का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अनुरोध प्रबोधन पत्रिका जो एक कंपटीशन था उसके भी हमने बुक्स भरवाए हैं और लगभग पूरे मुंबई से 400 संभागियों ने इसमें सम्मिलित होकर अनुव्रत विश्व भारती का जो प्रकल्प है उसे पूरा करने का संकल्प लिया है और 400 प्रतियोगियों ने बुक्स भरकर लगभग दे दी है। और इस प्रकार हम अनुव्रत समिति मुंबई वाले अनुव्रत विश्व भारती के अंतर्गत जो भी हमें इंगित मिलता है उस और हम कार्यरत हैं। इसके अंतर्गत अनुव्रत बालोदय एडू टूर, जो एजुकेशन टूर रहता है, वह भी हम आगे जाके उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। चिल्ड्रंस पीस पैलेस राजसमंद जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है उसका भी हम अवलोकन कराने के लिए बच्चों को लेके जाएंगे। तो इस प्रकार अनेक का जो प्रकल्प है, लगभग अणु विभाग के पास 44 प्रकल्प पूज्य गुरुदेव की कृपा से हैं और उसमें जितना हमसे बन पड़ रहा है, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता आदि अनेक प्रकार की प्रतियोगिता हम करते हैं। और जो मेन काम हमारा है अभी, जो किट जोन का संचालन अणुवत विश्व भारती द्वारा अणु समिति को दिया गया है उसे भी हम सफलता से कर रहे हैं। अच्छे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और लगभग संडे सैटरडे को 300-400 बच्चे आते हैं और उसका अवलोकन करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रकल्प है, हम इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, यही मंगल कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। बाबू, आप आते हो किड्स जोन में, कैसा लगता है यहाँ का माहौल और क्या क्या देखते हो यहाँ? जय जिनेन्द्र, मैं जैनी रोशनलाल मेहता अनुविभाग से बस यही कहना चाहूँगा कि जो आपने किड्स जोन बनाया है वो बहुत अच्छा है। और एक और बात कि जो अनुव्रत समिति मुंबई कर रही है, पांच क्षेत्रों में जाकर ड्रग फ्री करना बच्चों को, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़े होकर इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें बड़े होकर शुद्ध जीवन जीना चाहिए।